Welcome to Webline. शोचियो जब घर पर आती है तो वो कांगकांग और चुआन की बातों को सुनती है। कांगकांग कहता है कि डैड, आपका एलिफेंट तो काफी ज्यादा बड़ा है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा। चुआन कहता है कि कांगकांग, डैड के एलिफेंट से खेलना बंद करो। शोचियो सोचती है कि ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे है। वो जल्दी से उस दरवाजे को खोलकर देखती है। इस दरवाजे के पार कुछ ऐसा नजारा था। कांगकांग कहता है कि मम्मी, डैड का एलिफेंट कितना ज्यादा बड़ा है, आप भी देखो। चुआन पूरा नेकेड था तो वो चिल्लाता है। शोचियो कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो, चिल्लाना तो मुझे चाहिए। कांगकांग कहता है कि मम्मी, आप भी हमारे साथ पुल के अंदर आ जाइए ना। इतना कहते ही वो उसे अंदर की ओर धक्का दे देता है, जिसके कारण शोचियो चुआन के ऊपर ही आकर गिरती है। चुआन ने उसे हक किया हुआ था तो शोचियो कहती है कि कितनी देर तक ऐसे ही रहने वाले हो, छोड़ो मुझे। चुआन उसे छोड़ देता है। वो उसे कहती है कि तुम कांगकांग को पुल के अंदर लेकर क्यों आए। तो वो कहता है कि कांगकांग ने कहा कि उसे यहाँ पर नहाना है, इसलिए। वो कहती है कि कांगकांग तो कुछ भी कहेगा तो तुम क्या उसकी सारी बातों को मानोगे। चुआन कहता है कि लेडी शिया, चिंता क्यों कर रही हो, मैं उसके साथ हूँ तो उसे कुछ भी नहीं होगा। कांगकांग कहता है कि मम्मी, आप भी हमारी तरह अनड्रेस हो जाइए ना। तो ये देखकर शोचियो के रिएक्शन तो देखने लायक थे। वो उन दोनों को ही मारती है एंड पूल के बाहर लेकर आती है। अगले सीन में शोचियो चुआन के पास से कुछ पहनने को कपड़े मांगती है तो चुआन उसे कुछ कपड़े दे देता है। शोचियो कहती है कि मैं ये अंडरवेयर नहीं पहनूंगी। वो कहता है कि तुम क्या नहाने के बाद अंडरवेयर नहीं पहनती। वो कहती है कि मुझे ये तुम्हारे अंडरवेयर नहीं पहनने हैं। तभी ही वहाँ पर कोई लड़की आती है। वो कहती है कि मास्टर चुआन, आपने अपने घर में किसी लड़की को छुपा कर रखा है। सो गाइस, ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।